जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला चैनपुरी से लापता हुए 15 वर्षीय किशोर दिलदार का शव मिलने के बाद परिजनों में काफी गुस्सा है। घटना से गुस्सा परिजनों ने शनिवार की सुबह थाना हापुड़ देहात का रुख कर लिया और घटना का जमकर विरोध किया। इस दौरान परिजनों ने फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। मेरा नाम हसन है, मैं मोहल्ला चैनपुरी से आया हूँ। क्या हुआ, आज क्यों आए थाने? आज इसलिए आए हैं, हमारा भाई मोहल्ले पड़ोसी है हमारा, वो 3 दिन से लापता था, 23 तारीख से लापता था और उसे हमने बहुत ही ढूंढा, मोहल्ले वालों ने भी ढूंढा, वो नहीं मिला हमें सर। लेकिन वो जब मिला, जब हमें रात शाम के टाइम 8-9 बजे करीब में हमें पता लगा कि मेंबर साहब ने हमें बताया आकर के कि भाई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई है और हमें ये भी नहीं पता चला कि बॉडी कहाँ पर थी, कहाँ पड़ी थी। सब चीज़ ये अपने आप ही कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। जो हम यहाँ आए थे थाने के अंदर आए थे हम कल, तो थाने वालों ने हमसे पूछताछ की कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। एक लड़के को पकड़वाया भी था, तो वो लड़का जो है यहाँ लाए, मेंबर साहब ने उसे अपनी गाड़ी में डाला, ले करके चले गए और वहाँ जा कर के लड़के को वहाँ से उठाया और पोस्टमार्टम के लिए लड़का भेज दिया। रात को 11 बजे आकर के कहते हैं कि लड़का जो है पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ, वहाँ से बॉडी ले आओ। आप ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि रात को 12 बजे 11 बजे कौन सा पोस्टमार्टम होता है। वो लड़के जो है उसकी मयूरी में बैठे और बैठने के बाद में वहाँ ले कर के चले गए, ये हाफिजपुर थाने के पास उबारपुर गाँव है, उसके पास में कोई जंगल है, वहाँ पर ईंख में ले जा करके उसे कत्ल कर दिया। पहले उसकी मयूरी छीनने का प्रयास किया लेकिन वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त की और उसे बच्चे को वहाँ काट करके घेर दिया। जो 14 बच्चा था, छोटा था, कोई तकरीबन 12 साल का था, उसने जो है मयूरी लेकर के वहाँ से फरार भाग लिया। तो उसे धमकी दी कि ऐसा है, अगर तूने घर जाके किसी से बोला तो हम उसे तुझे भी मार डालेंगे जैसे इसे मारा हमने। रिपोर्ट लिखाना है, भाई का कत्ल हो गया, 3 जनों ने उसका कत्ल कर दिया मयूरी के चक्कर में, गिरफ्तार नहीं हुआ है वो, एक जने को पकड़ लिया। बता दें कि 15 वर्षीय दिलदार पुत्र अज्जू गुरुवार की दोपहर अपने ई रिक्शा के साथ लापता हो गया था। दिलदार को तलाशने की काफी कोशिश की गई लेकिन परिजनों का सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने दिलदार के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर ई रिक्शा चालक का शव पुलिस ने थाना हाफिजपुर के गांव शाब्दीपुर के जंगलों से शनिवार को बरामद कर लिया। फिलहाल आरोपी के अन्य साथी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।